हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ई सी एल ई एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश। स्वागत है आपके इस चैनल पर ई सी एल ई के। और आज हम पढ़ने वाले हैं वॉन्ट टू बी। जो मैंने बताया था कि वॉन्ट टू की सीरीज का मैंने बताया था वॉन्ट टू बी और वॉन्ट टू हैव, तो ये सेकेंड नंबर का है वॉन्ट टू बी। और तीनों में बहुत ही ज़्यादा जमीन और आसमान का अंतर है, सो बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने एक भी जो वर्ड है मिस किया या गलत किया तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है। वॉन्ट टू बी की सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे, क्योंकि स्पोकन के पर्पज से वॉन्ट टू बी भी बहुत यूजफुल है। और हम इसी प्रकार के हम तीन प्रकार के सेंटेंस हम पढ़ेंगे, वॉन्ट टू बी, ऐसे ही हम वॉन्टेड पढ़ेंगे, वॉन्टेड टू एंड वॉन्ट टू बी। ओके, सो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल क्लास है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो है आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके और आप सेंटेंस बनाना सीख सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं, बिल्कुल नए हैं, फ्रेश, अभी तक बिल्कुल ई सी एल ई की वीडियो नहीं देखी है, तो मैंने बताया था कि आप इंट्रोडक्शन क्लास से भी वीडियो देख सकते हैं, सेंटेंस बनाना आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप अंग्रेजी को बोलना सीख सकते हैं। ओके, सो वेलकम टू द स्पीकिंग क्लास फॉर दी टुडे वी विल स्टडी ऑफ दी वन टू बी। ओके, सो हम देखते हैं वन टू बी के सेंटेंस बनाना। सेंटेंस बनाने से पहले सबसे पहले पहचान है, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब वॉन्ट टू वॉन्ट टू बी वॉन्ट टू हैव पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि हमें वॉन्ट टू का सेंटेंस है, वॉन्ट टू बी का है, वॉन्ट टू हैव का है। इसलिए बहुत ध्यान से आपको देखना है। और यदि आपने वॉन्ट टू की क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप क्लास का ही क्लास जरूर देख लें, तभी आप ये वॉन्ट टू की क्लास पढ़ें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वॉन्ट टू में। सो पहचान देखो, तो कल पहचान बनना या होना चाहता है, चाहती है, चाहते, चाहता है, चाहती है, चाहती है, तो है, कल की क्लास में भी थी, लेकिन इस मंत्र का है बनना या होना, या बनना चाहता है या होना चाहता है, बनना चाहता है या पर होना चाहता है, इसकी पहचान है। इसमें कोई भी एक्शन या वैसी वर्ब नहीं रहेगी, एक्शन वर्ब नहीं रहेगी, बस चाहता है, बनना या होना चाहता है। ओके, सो हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, जो मैंने कुछ एग्जांपल के सेंटेंस मैंने लिए हैं, मैंने पहले से सेंटेंस मैंने लिख लिए थे ताकि थोड़ा सा आपकी टाइम की बचत हो सके। तो मैंने लिखा वह डॉक्टर बनना चाहती है, वह डॉक्टर बनना चाहती है, हम शिक्षित होना चाहते हैं, हम शिक्षित होना चाहते हैं, वे दयालु होना चाहते हैं, वे क्या होना चाहते हैं, दयालु होना चाहते हैं, बच्चे खुश होना चाहते हैं, बच्चे खुश होना चाहते हैं, तुम अमीर बनना चाहती हो, सुरेंद्र ईमानदार बनना चाहता है। ओके, सो ये छह सेंटेंस मैंने लिया था, तो मैंने पहचान बताया था लास्ट के, बनना चाहता है, होना चाहती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बनना चाहती है, होना चाहते हैं, होना चाहते हैं, होना चाहते हैं, बनना चाहती है और होना चाहते हैं। ओके, सो इस प्रकार की सेंटेंस है, जो मैंने आपको पहचान बता दी, क्योंकि पहचान बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप सेंटेंस बनाते रहोगे इसके वॉन्ट टू बी के, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना आप वॉन्ट टू हैव में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो लेकिन मैं कोशिश करूँगा 100% कि आपको मैं 100% आपको बता सकूं कि कैसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे आपकी पहचान कर सकते हैं। पहचान बहुत ध्यान से देखना था तो मैंने आपको बता दिया है। तो स्टार्ट करते हैं फिर स्ट्रक्चर पर हम जाते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, जिस प्रकार के हम 6 स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, बस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज है। आपको चेंज को बहुत समझना है और याद नहीं करना, लेकिन स्ट्रक्चर को आपको ध्यान से देखना है, सेंटेंस बनाना है, तो आप बिल्कुल भी भूलोगे नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, तो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं रेड पेन से बनाए के। ओके, स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, तो हम यहाँ से करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं बिल्कुल आसानी से। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, तो आता था, और जिस प्रकार हम लिखते थे वॉन्ट ऑब्लिक वॉन्ट्स लिखते थे कि नहीं लिखते थे, इतना तो हमने कर लिया था, वॉन्ट ऑब्लिक बॉन्ड्स, इतना तो सेम है। तो आपको अगर कल की क्लास देखी होगी आपने, तो आपको क्लियर होगा बॉन्ड्स और बॉन्ड किसके साथ लगता है। तो मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, ही सी एट और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, बॉन्ड्स लगता है, आई वी दे यू के साथ हम बॉन्ड का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ तक बॉन्ड हो गया और टू हो गया, बॉन्ड और टू यहाँ तक तो सेम है, सब्जेक्ट प्लस बॉन्ड प्लस टू। ओके, प्लस यहाँ पर बी बस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट प्लस टू प्लस बी प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, क्या है, नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव,
तो मैं हर बार बताता हूँ कि नाउन और जो एडजेक्टिव के रहता है वो नाउन और एडजेक्टिव को मैं साइन लिखता हूँ, नाउन का ए, एडजेक्टिव का सॉरी नाउन का एन और एडजेक्टिव का ये मैं लिखता हूँ आपके लिए, क्योंकि जगह की कमी रहती है साइन करता है। ओके, सो नाउन की क्लास में ऐसे हम सेकंड स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ, तो आप देख लो, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस वांट प्लस टू प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट डू ऑब्लिक डस प्लस प्लस नॉट सॉरी नॉट आएगा, फिर वॉन्ट आएगा, क्या आएगा वॉन्ट आएगा, फिर टू आएगा, फिर बी आएगा, फिर नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। बिल्कुल ध्यान से आप देख लेना, बहुत आसानी से ये सेंटेंस को देख लेना है, सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस की नॉट प्लस वॉन्ट प्लस टू प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। बिल्कुल ऐसे ही आपको छह स्ट्रक्चर बना देने हैं, बिल्कुल ऐसे इसी प्रकार से आपको छह स्ट्रक्चर आपको बना देने हैं। ओके, तो छह स्ट्रक्चर हम जल्द से बना लेते हैं। ओके, डू ऑब्लिक डस फटाक से बना दे, डू ऑब्लिक डस प्लस वॉन्ट प्लस वॉन्ट प्लस टू प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव बन गया स्ट्रक्चर। ऐसे ही ऐसे फोर्थ वाला बना लो, डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वॉन्ट ओके प्लस टू प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। आपको भी ऐसे ही अपनी कॉपी में सेंटेंस छह स्ट्रक्चर बनाने हैं। फिर चार बन गए, फिर हम क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड ओके, क्वेश्चन वर्ड को हम क्यू डब्ल्यू लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्यू डब्ल्यू डू ऑब्लिक डस, क्यू डब्ल्यू डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट प्लस टू प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। ओके, यहाँ हम अपन बी लिख लेते हैं, बी लिखना हमें भूल गए, यहाँ बी लिखना है। ओके, और प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। ओके, इस प्रकार हम बना लिए। ऐसे लास्ट वाला बनाते हैं, लास्ट वाला कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डस, क्वेश्चन वर्ड डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट, डू ऑब्लिक डस प्लस वॉन्ट प्लस टू प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। ओके, यहाँ सब्जेक्ट बाद यहाँ नोट लगा लो, यहाँ बीच में छूट गया थोड़ा सा। ओके, सो आप बिल्कुल आसानी से आप सेंटेंस को हम बना सकते हैं, ऐसे ही हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमें सेंटेंस बनाते रहना है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से बनाने हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत किसी प्रकार की परेशानी वीडियो में ना हो, किसी प्रकार सेंटेंस बनाने में आपको परेशानी ना हो। अगर फिर भी लगता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है बनाने में, तो आप सेंटेंस वीडियो को सॉरी बार बार देख सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, आपकी कन्फ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने लिख लिया है, और अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स, और आफ्टर दैट आई विल रब दिस इन द बोर्ड। ओके सॉरी, इसको मैं मिटा दूंगा। ओके, सो देखते हैं अपन, तो हम इसको मिटा देते हैं अकेले, इसको क्या स्ट्रक्चर को मिटा देते हैं, पहचान ही मिटा देते हैं स्ट्रक्चर अपने, वो तो ले लिया, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आई होप आपको बिल्कुल किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होगी सेंटेंस को बनाने में। तो फिर भी हम एग्जाम्पल के तौर पर, हम सिंपल तौर पर, साधारण तौर पर हम सेंटेंस को बताते हैं। ओके, यहाँ डू ऑब्लिक डस वाला मैंने बताया था, बताया नहीं है कि कहाँ लगता है, आपको अगर आपको पता करना है तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए। ओके, जब आपकी पिछली वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्या हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोनों पेन से लिखते हैं, ओके, एक रेड से, एक कैसे लगते हैं, एक लगते ब्लू से। ओके, तो वह डॉक्टर बनना चाहती है, सिंपल सेंटेंस फर्स्ट वाला, वह डॉक्टर बनना चाहती है, वह डॉक्टर बनना चाहती है। ओके, सिंपल बनाना, तो क्या बनाएंगे, शी चाहती है, गर्ल्स का सेंस है ना, तो शी सॉरी शी, ऐसे शी बॉन्ड्स, क्या है बॉन्ड्स, सी स्टेट का, सी बॉन्ड्स टू बी डॉक्टर, बहुत आसान है कि नहीं है, सी वॉन्ट्स टू बी डॉक्टर, सी वॉन्ट्स टू बी डॉक्टर, बन गया, बिल्कुल बन गया। ऐसे नेगेटिव बनाओ, वह डॉक्टर नहीं बनना चाहती है, वह डॉक्टर नहीं बनना चाहती है। हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, she does not want to be doctor, ऐसा हम बिल्कुल बना सकते हैं। फिर बनाओ, क्या वह डॉक्टर बनना चाहती है, क्या आप बना सकते हैं, बिल्कुल आप बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, does she want
टू बी डॉक्टर, बना लिया, बिल्कुल बना लिया। डज सी वॉन्ट टू बी डॉक्टर, डज सी वॉन्ट टू बी डॉक्टर। ऐसे हम क्वेश्चन वर्ड बनाओ, क्वेश्चन वर्ड कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड तो वह डॉक्टर किसकी तरह बनना चाहती है, वह डॉक्टर कैसे बनना चाहती है, किसी का भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो वह डॉक्टर कैसे बनना चाहती है। तो कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ डज शी वॉन्ट टू बी डॉक्टर। वह डॉक्टर कैसे नहीं बनना चाहती है, वह डॉक्टर कैसे नहीं बनना चाहती है, बनाओ। हाउ डज शी नॉट वॉन्ट टू बी डॉक्टर। बिल्कुल बन गया, बिल्कुल आसानी से आपने सेंटेंस बनाना सीख लिया है। ओके, थोड़ी सी राइटिंग की थोड़ी सी मैंने थोड़ा कर्सिव टाइप में लिख दिया, तो आपको क्लियर ना हो तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ओके, सो आई होप आप 6 सेंटेंस आप बनाना सीख जाएंगे। तो हम फटाफट सेंटेंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो हम शिक्षित होना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे, हम शिक्षित होना चाहते हैं, क्या बनाएंगे, वी वॉन्ट टू बी एजुकेटेड। हम शिक्षित बनना नहीं चाहते या होना नहीं चाहते हैं। बी डू नॉट वॉन्ट टू बी एजुकेटेड, क्या हम शिक्षित होना चाहते हैं, डू बी वॉन्ट टू बी एजुकेटेड, क्या हम शिक्षित होना नहीं चाहते हैं, डू बी नॉट वॉन्ट टू बी एजुकेटेड। हम शिक्षित होना कैसे चाहते हैं, हाउ डू बी वॉन्ट टू बी एजुकेटेड। हम शिक्षित होना कैसे नहीं चाहते हैं, हाउ डू बी नॉट वॉन्ट टू बी एजुकेटेड। हम ऐसा सेंटेंस को हम बना सकते हैं। फिर बनाओ, बेदयालु होना चाहते हैं, बेदयालु होना चाहते हैं तो क्या बनाएंगे, दे वॉन्ट टू बी काइंड, वे दयालु होना नहीं चाहते हैं। दे डू नॉट वॉन्ट टू बी काइंड, क्या वे दयालु होना चाहते हैं, डू दे वॉन्ट टू बी काइंड, क्या वे दयालु होना नहीं चाहते हैं, डू दे नॉट वॉन्ट टू बी काइंड। वे दयालु होना कब चाहते हैं, वैन डू दे वॉन्ट टू बी काइंड, वे दयालु कब होना नहीं चाहते हैं, वैन डू दे नॉट वॉन्ट टू बी काइंड। ओके, तो आप ऐसी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, बिल्कुल आसान से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट वाला देख लीजिए, बाकी की दो आपको सेंटेंस को बनाना है, ट्रांसलेट करना है, आपका होमवर्क है कि आपको 6 सेंटेंस बनाने, कम से कम एटलीस्ट 10। ओके, तो स्वयं ईमानदार बनना चाहते हैं, स्वयं ईमानदार बनना चाहता है तो क्या बनाएंगे, सुरेंद्र ईमानदार बनना नहीं चाहता है। सुरेंद्र ईमानदार होना किसकी तरह चाहता है, एवर बीइंग होम। डज सुरेंद्र वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट, सुरेंद्र ईमानदार किसकी तरह होना नहीं चाहता है, डज सुरेंद्र नॉट वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट। इस प्रकार हम सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी क्लास हो गई, आप टेंशन नहीं लेना, आप दोबारा से क्लास को देख लेना है। ओके, सो ये आपकी क्लास थी, आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पिछली बार वीडियो नहीं देखी है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ECLE की पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, यदि आपने अपनी चुल है यस आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखनी है, स्पोकन सीखनी है, तो मैंने राज बताया कैसे हम सीख सकते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास में बताया कैसे आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैसे आप रिकॉर्डिंग करके आप ECLE के चैनल पर भेज सकते हैं, कैसे आप सेंटेंस बनाकर फोटो को भेज सकते हैं ECLE की टेलीग्राम चैनल पर, कैसे आप फेसबुक पेज पर कर सकते हैं, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू इन द वीडियो। ओके, जस्ट आपको जाना है, स्टार्टिंग से वीडियो देखनी है, आप अंग्रेजी सीख जाओगे। मैं 100% बोल सकता हूँ, मैं बार बार हर वीडियो बोल रहा हूँ कि मैं खुद बताऊँगा कि एस आप अंग्रेजी सीख चुके हो, आप अंग्रेजी क्या है सीख चुके हो, यू हैव लर्न्ड इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख सके हो, मैं खुद आपको बताऊँगा। तो बस बने रहिए ECLE के साथ। ओके, मिलते हैं कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखें।